या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डा रूपेण संक्षिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्माण्डा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और शांत मन से कुष्माण्डा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा और उपासना करनी चाहिए। माँ कुष्माण्डा के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं। ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब देवी कुष्माण्डा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। माँ दुर्गा के कुष्माण्डा स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माँ कुष्माण्डा संसार को अनेक कष्टों और विपदाओं से मुक्ति प्रदान करती हैं। वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं। माता को लाल रंग पुष्प अधिक प्रिय है। पूजा के दौरान देवी कुष्माण्डा को गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। माता की विधि विधान से पूजा के बाद आप दुर्गा चालीसा और माँ दुर्गा की आरती जरूर करें। माँ कुष्माण्डा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है।